ये जैसे ही आएगा यहाँ पर इसको मार देंगे। छोटा कोई गवाही देने को राजी नहीं होता सर, उनके डर के मारे। जब वो अपने भाइयों को सर इस तरीके से मारते हैं तो दूसरा इंसान डरेगा, इसलिए हमारे पास उसमें एफ आई आर लग गई थी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हसीन। क्या हुआ था बताएं? मुझे मेरे भाइयों ने मारा है। क्या मामला चल रहा है जो भाइयों ने मारा? मामला सर मकान पे कब्जा करे हुए, सारा सामान हमारा मकान के अंदर है, हमारे बच्चों के कपड़े, हमें एक ही जोड़ी कपड़ों में मार के निकाल दिया। मेरी बीबी के साथ में बलात्कार की कोशिश करी थी बहनोई ने, जिस दिन से माँ ख़त्म हुई है उस दिन से बहनोई घर से बिल्कुल नहीं निकला है, वहीं रह रहा है मुस्तकिल अपने बच्चों के साथ में। किन किन लोगों ने आपके ऊपर कहते हैं हमला किया? मेरे ऊपर मोहम्मद यामीन ने, चापट थी उसके हाथ में, सबसे पहला बार उसने करा मेरे मुंह पे, मतलब इस तरीके से मारी है गन से जिससे नारियल काटते हैं, वो वाली चापट थी, चौड़ी गलासी इसको बोलते हैं। बाकी उन लोगों के पास में रिवाल्वर भी थे सर, लोहे की राटे वगैरह भी थी, और तीन चार लोग तो वो तो हैं सामने, बाकी और लोग भी मार ही रहे थे। क्यों मार रहे थे? मतलब इसका तरीके से मारा जाता, किसी गिरगाड़ को पकड़ लेते हैं तो पूरा मारते नहीं है, बुरी तरीके से इस तरीके से लाते घूम से चलती रही। क्यों मार रहे थे, क्या विरोध है? तो यहाँ आए क्यों? और बुलाया था हमें, इस साजिश से बुलाया था मार जान से मारने की नियत से, कि जब यहाँ पर आया एक बंदा हमारे घर गया था बुलाने के लिए सर। क्या करते हैं भाई आपके? मेरा भाई पार्षद है वार्ड नंबर 43 से, समाजवादी पार्टी से। सभासद हैं? जी जी जी। और उसका काफ़ी असर है सर मोहल्ले में भी असर। कौन सा वार्ड है जी? वार्ड कौन सा? वार्ड नंबर 43 आकाशपुरम। कब से सभासद हैं? ये मौजूदा सभासद है सर इस तरह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसीन। मोहम्मद हसीन। और किसे मारा? हसीन। और आपके साथ किसे मारा? मेरी बीबी को मारा। क्या मेरा बच्चा भी दूर छटक के गिर गया था, लात मारी तो बच्चा को खैर सुरक्षित है, अभी उसको कुछ हुआ नहीं, जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे तो जान भी जा सकती थी। थाने गए? थाने इसलिए नहीं गए कि उन्हीं लोगों की पार्टियों वालों ने उठा के, उन्हीं लोगों के आदमियों ने उठा के मेरे वलखंड में डाल दिया था। मेरी बीबी बच्चे मेरे पीछे भाग रहे थे, कभी कहीं ले जा रहे थे कहीं ले जा रहे, इसलिए कि पुलिस आएगी तो यहाँ पर मुकदमा हो सकता है इनके खिलाफ, तो इनको यहाँ से हटाओ, इसलिए रोयलखंड पहुँचा दिया। रोयलखंड हम पहुँचे तो वहाँ से हमें यहाँ पर रेफर कर दिया उन्होंने।